हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एसके वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास टेंथ के लिए मैथ सब्जेक्ट की। जैसा कि आपको मालूम है, हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपके लिए मैथ की क्लास लेके आते हैं क्लास 10 के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके वर्मा सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। हमने शुरू कर रखी है 5.1 प्रश्नावली और आज इसकी रहेगी 6ठी कड़ी। 5 प्रश्नावली 5 वीडियो हमने इसकी अपलोड कर दी है। आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करके देख सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने चौथा प्रश्न को पढ़ा था। चौथे प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सारांश ज्ञात कीजिए। और इसके अंदर हमने पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न कर लिया था। आज हम इसका ये चौथा प्रश्न स्टार्ट करते हैं। चौथा प्रश्न देखो क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हाँ जी, क्या दिया हुआ है? -10, -6, -2 और 2। पहले चेक करते हैं एपी है या नहीं है। तो ये पद होता है A1 होता है, ये पद A2 होता है, ये पद होगा A3 और ये पद होगा A4। तो हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को घटाएंगे, A3 में से A2 को घटाएंगे, A4 में से A3 को घटाएंगे और जांच करेंगे क्या ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। बराबर आ रहा है तो सारवंत्र है विद्यमान, एपी होगी। बराबर नहीं आ रहा तो एपी नहीं होगी। तो चलिए चेक करते हैं। हाँ जी, A2 - A1, A2 में से क्या घटाएं, A1 घटाएं, तो -6 में से घटाएंगे -10, -10। देखिए -6 में से घटाएंगे -10, तो -6 ये घटाने का निशान और ये -10, तो ब्रैकेट लगा दो। ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो माइनस और माइनस गुणा करके प्लस और 10। अब देखिए, एक प्लस का एक माइनस का है तो ये घट जाएगा। दो संख्याएं जब अलग अलग निशान की होती है घटता है, तो 10 में 6 गया 4 और बड़ी संख्या का निशान आएगा। बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का निशान आ जाएगा और प्लस के निशान को हम लगाते नहीं हैं, नॉर्मली प्लस होता है। चलिए अब लगाएं A3 - A2 निकालें, A3 - A2 निकालें। तो A3 क्या है, ये रहा A3, -2 और इसमें से घटाएंगे -6। तो इस तरह ब्रैकेट लगा लेना, -2, माइनस माइनस गुणा करके प्लस, 6 में से 2 गया कितना गया, 4 आ गया। नेक्स्ट निकालेंगे अपने A4 - A3, तो A4 - A3, A4 क्या दिया हुआ अपने पास, 2 और 2 में से घटाएंगे -2, 2 में से घटाएंगे -2। तो चलिए 2 माइनस माइनस गुणा करके प्लस, 2 और 2 और 2 कितना गया 4। देखिए सब बराबर आ गए, 4 4 आ गए, तो यहाँ लिख दोगे A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3। अब देखो ये बराबर आ गया, तो अतः सारवंतर बराबर कितना गया, सारवंतर बराबर, क्योंकि ये जो बराबर आ जाता है यही सारवंतर होता है। सारवंतर D बराबर कितना गया, D बराबर कितना, 4 आ गया। अब आप यहाँ लिखोगे अर्थात सारव अंतर विद्यमान है, सारव अंतर विद्यमान है, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची दी गई संख्याओं की सूची एपी है। आप एक काम करना, इस लाइन को बाद में लिख देना, ठीक है। पी ये बराबर है, बराबर है मतलब सारव अंतर विद्यमान है, सारवंतर विद्यमान है, तो दी गई संख्या सूची क्या है, एपी है, और इसलिए सारवंतर कितना होगा, सारवंतर डी जो होगा वो कितना होगा, क्योंकि ये बराबर आ रहा है, सारवंतर डी का मान कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 4th का 4। नेक्स्ट करते हैं, देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। तो क्वेश्चन नंबर 4th का 5th क्या दिया हुआ है, एपी क्या दी है, 3 + √2, 3 + 2√2 और 3 + 2 √3। ये सूची दी हुई है, एपी नहीं दी, चेक करते हैं एपी है या नहीं है। तो वही घटाएं, ये A1 है, ये पूरा A2 है, ये A3 है, ये पूरा A4 है, तो A2 में से घटाएंगे A1,
ए टू में से घटाएंगे ए वन, तीन प्लस अंडर रूट दो में से घटाएंगे तीन, तो ये प्लस का तीन माइनस तीन कट गया, अंडर रूट दो बच गया। ए थ्री में से घटाएंगे ए टू, ए टू तीन प्लस दो अंडर रूट दो में से घटाएंगे तीन प्लस अंडर रूट दो। तो जब भी ऐसा सवाल करो तो इस तरह नहीं लिखोगे, इस तरह लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो ये दो संख्याएँ हैं, दो संख्याएँ हैं, तो यहाँ ब्रैकेट लगा देना। ऊपर तो एक ही संख्या थी तो काम चल गया था, लेकिन यहाँ काम नहीं चलने वाला, ब्रैकेट लगा देना। क्यों? क्योंकि एक चीज़ और, थोड़ा सा यहाँ भी बराबर करने चलने दो, हाँ भी क्यों काम नहीं चलेगा, क्योंकि निशान बदलेगा। बाहर निशान किसका देखो, माइनस का निशान, अंदर का निशान बदलेंगे। ये माइनस तीन हो जाएगा, ये अंडर रूट दो, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का तीन, माइनस का तीन क्या हो गया, कट गया। और यहाँ कितने हैं, एक सेकंड, हाँ यहाँ कितना है, दो अंडर रूट दो, और ये अंडर रूट दो है, घटाओ दो अंडर रूट दो में से अंडर रूट दो घटाओ, तो ये दो में से, ये दो, दो अंडर रूट दो में से ये मान लो एक है, यहाँ यहाँ पर ये एक अंडर रूट दो है, ठीक है, दो में से एक गया तो एक अंडर रूट दो बचेगा। तो ध्यान रखना ये एक जो मैंने लिखा है ना, ये लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है। तो दो अंडर रूट दो में से अंडर रूट दो घटाओगे तो अंडर रूट दो बचेगा। अभी ये अक्सर कई कई बच्चों को दिक्कत देता है। तो यहाँ देखो, अगर मान लो मैं ए सपोज करो दो एक्स में से एक्स घटाऊँ तो एक्स बचता है ना, दो वाई में से अगर वाई घटाऊँ तो वाई बचता है ना, तो इसी तरह दो अंडर रूट दो में से अंडर रूट दो घटाऊँगा तो कितना बचेगा, अंडर रूट दो। इसी तरह दो अंडर रूट तीन में से अंडर रूट तीन घटाऊँगा तो क्या बचेगा, अंडर रूट तीन। इसी तरह दो अंडर रूट पाँच में से अंडर रूट पाँच घटाऊँगा तो बचेगा क्या, अंडर रूट पाँच। तो गौर से देखो एक घट रहा है, ये देखो दो एक्स में से एक एक्स घट रहा है तो एक एक्स बच गया, दो वाई में से एक वाई गया तो एक वाई बच गया, दो अंडर रूट दो में से एक अंडर रूट दो गया तो एक अंडर रूट दो बच गया, दो अंडर रूट तीन में एक अंडर रूट तीन गया तो एक अंडर रूट तीन बच गया, दो अंडर रूट पाँच में एक अंडर रूट पाँच गया तो अंडर रूट एक अंडर रूट पाँच बच गया, ठीक है जी। चलिए अब इसमें से इसको घटाते हैं, ए फोर में से ए थ्री घटाते हैं, ए फोर में से घटाते हैं ए थ्री। फोर क्या दिया हुआ है, फोर दिया हुआ है तीन प्लस तीन प्लस तीन अंडर रूट दो, इसमें से घटाते हैं तीन प्लस, इसमें से घटाते हैं तीन प्लस दो अंडर रूट दो, दो अंडर रूट दो। क्या सही कर रहा हूँ मैं? बिल्कुल गलत कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर निशान किसका है, माइनस का है। चाहे निशान माइनस है प्लस है, ब्रैकेट के अर्थ डालो, प्लस होगा तो निशान नहीं बदलेंगे, माइनस होगा तो निशान बदलेगा। चलिए माइनस है, निशान बदलते हैं, तीन प्लस तीन अंडर रूट दो माइनस, ये तीन का हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस, ये कट गया, तीन अंडर रूट दो में से दो अंडर रूट दो गया, तीन में से दो गया एक बच गया, तो एक एक अंडर रूट दो। क्या ये एक लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे। अब गौर से देखो, हाँ भैया जो मान निकाला देखो, ये अंडर रूट दो आ गया, ये अंडर रूट दो आ गया और ये अंडर रूट दो आ गया, तीनों बराबर आ गए ना। तो लिख दो ए टू माइनस ए वन बराबर ए थ्री माइनस ए टू बराबर ए फोर माइनस ए थ्री, बराबर आ गया, बराबर आ गया, अर्थात सारा अंतर विद्यमान है। जब बराबर होता है सारा अंतर क्या होता है, विद्यमान, विद्यमान है, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची ए पी है। और जब सार्वंतर विद्यमान है तो लास्ट में लिखेंगे अतः सार्वंतर डी बराबर, ये जो बराबर आ रहा है ना कितना गया, ये अंडर रूट दो, सार्वंतर बराबर अंडर रूट दो, ठीक है। नेक्स्ट इसका छठा कर लेते हैं, छठा क्वेश्चन नंबर फोर का सिक्स्थ क्या दिया हुआ है, 0.2 0.2 2 0.2 0.2 2 0.2 2 कितना टाइम देख दिया, ट्रिपल बार और फोर टाइम दो, 0.4 टाइम दो
और डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये ए वन है, ए टू है, ए थ्री है, ए फोर है, निकालते हैं। ए टू में से घटाएंगे ए वन को, घटाओ 0.22 में से घटाओ 0.2 को। अब गौर से देखो, यहाँ पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद इधर दो अक्षर है, यहाँ पॉइंट के बाद एक ही है, तो एक और लगा दो, जीरो लगा देंगे, दो अक्षर हो गए, घटा दो। इस दो में से जीरो गया दो, इस दो में से दो गया जीरो, और जीरो में से जीरो गया जीरो, तो घटाने पर ये बच गया। पॉइंट 22 में पॉइंट 20 गया तो पॉइंट 02 बच गया, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट ए थ्री में से ए टू घटा दो, घटाओ 0.0222 में से घटाओ 0.22, इसमें से इसको घटाया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पॉइंट के बाद तीन अक्षर हैं, यहाँ दो ही है ना, एक जीरो लगा दो। इस दो में से जीरो घटाओ तो, इस दो में से दो घटाओ जीरो, इस दो में से दो घटाओ जीरो, आगे पॉइंट, फिर जीरो में जीरो गया, ये जीरो। ठीक है, नेक्स्ट ए फोर में से घटाओ ए थ्री, ए फोर में से घटाओ ए थ्री। हाँ जी, फोर ये रहा, थ्री ये रहा, 0.4 टाइम 2 माइनस 0.3 टाइम 2, यही दिया हुआ नहीं, इसको देखो, इसको और इसको, तो चार बार ही है, चार बार दिए हुई, तीन बार ही है, एक जीरो लगा दो, चार बार कर लो, घटाओ। इस दो में से जीरो घटाओ दो, दो में से दो गया जीरो, दो में से दो गया जीरो, इस दो में से ये दो गया जीरो पॉइंट, और जीरो में से जीरो गया जीरो। अब गौर से देखो, क्या बराबर आ रहा है? शक्लें जरूर एक जैसी सी है, लेकिन बराबर नहीं है, गौर करो। हाँ जी, ये इसको देखो, पॉइंट 02, पॉइंट 002, पॉइंट 0002, ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो लिंक होगी ए टू माइनस ए वन नॉट इक्वल, ए थ्री माइनस ए टू नॉट इक्वल, ए फोर माइनस ए टू, ये फोर पेयर में छोटा से लिखा करो, बराबर नहीं है, तो यहाँ क्या लिख रहे थे अभी तक, अर्थात सार्वंतर विद्यमान है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अर्थात सार्वंतर विद्यमान नहीं है, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी नहीं है। देखिए, इस सवाल में एक चीज़ और दी हुई है, थोड़ा गौर कीजिएगा, इसमें ये लिखा हुआ ना, निम्नलिखित लिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, आगे ये सवाल पूरा कीजिए, तथा एपी के अगले तीन पद ज्ञात कीजिए, तीन पद ज्ञात कीजिए, तो अगले तीन पद ज्ञात करें, तो देखो जो जो एपी आ रही है ना, उसके अगले तीन पद ज्ञात करते हैं, तो अपने जो जो सवाल किए, देखो पहला सवाल किया था, कल किया था, कल वाली वीडियो में, आज मैं बता देता हूँ इसमें, इसका पहला ये फोर्थ था, हाँ जी ये रहा पहला सवाल, तो इस सवाल को देखो, इसके अंदर क्या एपी है, क्या देखो, ये तो सूची एपी नहीं है, तो इसमें तो अगले तीन पद निकालने नहीं, इसको देखो दूसरे को इसमें एपी थी क्या, हाँ दी की सूची एपी है, तो अगले तीन पद निकालते हैं, इसके तीन पद अभी देखो, कल की वीडियो में सॉल्व कराए, अगले तीन पद मैं इसमें करवा देता हूँ। अब अपने पद कितने दिए, देखो पहला दिया हुआ है, गौर से देखो, पहला दिया है, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, पाँचवा निकालें, तो एक पद निकालें, पाँचवा पद ए फाइव होता है, एक निकालें, छठा पद ए सिक्स होता है, और सातवां पद निकाल लें, ए सेवन होता है, तो ए फाइव क्या होगा, ए प्लस फोर डी, ए सिक्स क्या होगा, ए प्लस फाइव डी, और ए सेवन क्या होगा, ए प्लस सिक्स डी, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू कितनी दी है, ए की वैल्यू ये रही दो, तो सबसे पहले दो लिखो सभी में ए प्लस दो प्लस दो प्लस दो प्लस ए प्लस हो गया, और आगे क्या दिए, चार चार चार, और यहाँ डी का मान रखना है,
डी का मान कितना निकला, सारा अंतर विद्यमान है हाफ निकला है, एक बटा दो। तो आप ये ब्रैकेट अरे यार एक सेकंड को, ये ब्रैकेट लगाने की जगह अपने गुणा लगा देते हैं, गुणा डी एक बटा दो, गुणा डी एक बटा दो, गुणा डी एक बटा दो, इस दो से काट दो, दो दुनी चार, दो दुनी चार, दो दुनी चार, नहीं थोड़ा गलत कर दिया, रुको दो मिनट, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ गड़बड़ कर दी, एक मिनट एक मिनट। हाँ यहाँ देखो ये चार डी है, ये चार थोड़ी है, ये कितना है पाँच डी है और ये छः डी है। अब गुणा में लगा दो, गुणा एक बटा दो, गुणा एक बटा दो, गुणा एक बटा दो, ये कट गया दो दूनी चार, ये कट गया दो तीन छः, ठीक है इसको पहले जोड़ दो, दो और दो चार और दो, ये कितना दो और तीन, दो और तीन पाँच, ये दो तो निकल गए। और इसमें देखो इसमें या तो पॉइंट में काट दो, दो से काट के पॉइंट कर दो, पाँच का तो ढाई होता है, ढाई और दो को जोड़ दो साढ़े चार, साढ़े चार वैसे लिखना है चाहिए ऐसे लिखना है, हो गया। तो अतः अगले अतः एपी के अगले तीन पद तो चार साढ़े चार और पाँच आंसर आ गया, ठीक है ये काम कर लेना। अब कई जगह मान लो ये साढ़े चार नहीं दिया, नौ बटा दो दिया, तो नौ बटा दो ये देखो चार कम चार, चार दूनी आठ, आठ और एक नौ, नौ बटा दो भी लिख सकते हैं, चीज़ वही है, गलत नहीं है, इसको साढ़े चार भी लिख सकते हो, इसको नौ बटा दो लिख सकते हो, तो ऐसे भी लिख सकते हो। इसका ये दूसरा सवाल था कल की वीडियो बताइए, इसका तीसरा और देख लेते हैं, ए पी थी क्या ये तीसरा सवाल, इसकी ए पी थी क्या, ये देखो ये बराबर आ रही है, ए पी थी, तो इसमें और पद निकालो, कौन कौन सा पद, चार तो अपने दिए हुए भाई, चार तो दिए हुए ना, एक दो तीन चार, पाँचवा छठा सातवा निकालो, तो पाँचवा निकाल रहा हूँ शॉर्टकट निकाल रहा हूँ, पाँचवा निकालूंगा ए प्लस फोर डी, छठा निकालूंगा ये लिख लेता हूँ नोट को, पाँचवा पद ए फाइव होता है, ए प्लस फोर डी, छठा पद ए प्लस फाइव डी और सातवा पद ए प्लस सिक्स डी। चलिए ए की वैल्यू कितनी है, देखो पहला पहला पद उठा लो ना, कहाँ गया ए की वैल्यू, माइनस एक बटा दो, एक पॉइंट दो, माइनस एक पॉइंट दो, माइनस एक पॉइंट दो, माइनस एक पॉइंट दो, और प्लस में फोर डी, प्लस में फाइव डी, प्लस में सिक्स डी, और डी कितनी है, डी कितने हैं, माइनस का दो है, डी माइनस दो, माइनस दो, माइनस दो, ये माइनस का एक पॉइंट दो, प्लस ये प्लस और माइनस गुणा करके माइनस, चार दुनिया आठ, माइनस का एक पॉइंट दो, प्लस और माइनस गुणा करके माइनस, पाँच दुनी दस, माइनस का एक पॉइंट दो, छः दुनी बारह इसका, प्लस और माइनस गुणा करके माइनस का बारह, सॉल्व कर दो, दोनों माइनस के जुड़ेंगे, आठ और एक नौ, नौ पॉइंट दो हो गया, ये भी जुड़ेगा, ग्यारह पॉइंट दो हो गया, दस और एक ग्यारह, ये बारह और एक तेरह, तेरह पॉइंट दो। अतः ए पी के अगले तीन पद तो नौ पॉइंट दो, ग्यारह पॉइंट दो और तेरह पॉइंट दो सब माइनस के पॉइंटों में देख। चलो ये कल वाले हो गए, आज वाले सवाल में देखो क्या क्या किया, कौन कौन सी ए पी आई, फोर्थ सवाल किया था ए पी थी क्या, हाँ विसार अंतर विद्यमान तो ए पी है, इसका पाँचवा पद निकालो ए फाइव, ए प्लस फोर डी होगा, छठा पद निकालो ए प्लस फाइव डी होगा, सातवां पद निकालो ए प्लस में सिक्स डी होगा। चलिए ए की वैल्यू कितनी है, देखो ए की वैल्यू है माइनस दस, माइनस का माइनस दस, हाँ भी माइनस दस, माइनस दस, माइनस दस, माइनस दस, प्लस प्लस प्लस, फोर फाइव सिक्स, डी की वैल्यू कितनी है, चार है, डी की वैल्यू चार, चार चार चार, यह है माइनस दस, यह है प्लस में सोलह, यह है माइनस दस, यह है प्लस में बीस, यह है माइनस दस प्लस में चौबीस, छः चौक चौबीस, पाँच चौके बीस, चार चौक सोलह, सॉल्व करो, हाँ भी एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, सोलह में से दस गया छः, और बड़ी संख्या का निशान है यानी बड़ी संख्या प्लस की है, दस और बीस और दस घटेगा, बीस में से दस गया दस, चौबीस और दस घटेगा कितना गया चौदह। आता है ए पी के अगले तीन पद,
तीन पद बराबर 6, 10 और 14। वो डाउट है। और कौन सा किया है? हाँ भी ये भी एपी बराबर बराबर बराबर, ये भी एपी है। अगले तीन पद इसके भी निकालो। चलिए A5 निकालते हैं, A6 निकालते हैं, A7 निकालते हैं। ये आपका घर का काम है, H2 आप करके दिखाना, नहीं होगा कल वाली वीडियो में करवा दूँगा, ठीक है। तो भाई स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो डेली हम लेके आते हैं सुबह 6 बजे, क्लास 10 के लिए मैथ की वीडियो है। कंटिन्यू पर्सनावली करा रहे हैं, पर्सनावली 5.1 चल रही है और छठी वीडियो थी आज की है। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस के वर्मा में सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, ऑल के बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मिलता रहे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट डे करनी वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।